जालौर माली समाज का 3 दिवसीय खेल महाकुंभ महोत्सव का बिशनगढ़ मार्ग पर स्थित एक खेल मैदान में विधिवत रूप से ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ किया गया। खेल महाकुंभ आयोजन मंडल के संयोजक विक्रम सोलंकी ने बताया कि जालौर नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष नितिन सोलंकी, विकास अधिकारी अतुल सोलंकी, एडवोकेट रमेश सोलंकी, छगनलाल चंदेशा ने ध्वजारोहण कर महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। शुभारंभ के अवसर पर राष्ट्रगान के बाद शहीदों की शहादत पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर समदड़ी बीडीओ अतुल सोलंकी ने खिलाड़ियों को खेल खेल की भावना के साथ खेलने की बात कहते हुए खिलाड़ियों को जीवन में खेल की महत्ता बताई। शुभारंभ अवसर पर माली समाज सेवा संस्थान के पूर्व अध्यक्ष भभूतराम सोलंकी, अशोक सुंदेशा, मुकेश सुंदेशा, लहरी राम सुंदेशा, तेजा राम सुंदेशा, नारायण सोलंकी, लक्ष्मण सिंह साखला, अनिल गहलोत, गजेंद्र सुंदेशा, रवि सोलंकी व गजेंद्र सुंदेशा सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी व खेल प्रेमी उपस्थित थे। जालौर जिला कलेक्टर महेंद्र सोनी ने शहर की प्रमुख सड़कों पर आवारा पशुओं की धरपकड़ के लिए परिषद के आयुक्त को सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर महेंद्र सोनी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि शहर की सड़कों पर आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। परिषद ने कई बार आम सूचना से पशु मालिकों को सूचित किया था, लेकिन पशु मालिकों की अनदेखी के कारण सड़कों पर आवारा पशुओं की संख्या बढ़ने से सड़क हादसों में बढ़ोतरी भी हो रही है। जिला कलेक्टर ने आवारा पशुओं की धरपकड़ व सख्त कार्यवाही के लिए परिषद के आयुक्त को सख्त पाबंद किया है। किसी भी शहर में नहीं होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है आपकी, कतई असहमत नहीं, पूर्णतः सहमत हूँ। शायद आप तो आज बोल रहे हैं, मैंने तो मेरी स्वेच्छा से ही ये राउंड लेके और मैंने कहा ये आवारा पशु नहीं रहना चाहिए। नहीं, उन्होंने 150 पकड़े भी थे, इन्होंने एक विज्ञप्ति भी दी थी, गांधी हाउस को स्थापित करना चाहता है तो नगर परिषद अपनी जमीन भी उपलब्ध कराने को तैयार है। जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सोनी ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन व आगामी लोकसभा चुनाव में चुनावी प्रक्रिया को लेकर कलेक्ट्रेट कक्ष में पत्रकारों के साथ वार्ता की। जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सोनी ने प्रेस वार्ता में कहा कि जिले के किसी भी मतदाता को मतदान से वंचित नहीं रखने के लिए नामांकन प्रक्रिया के 7 दिन पूर्व तक नाम जोड़ा जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव मतदाताओं सूची में अपने नाम व शुद्धिकरण संबंधी जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। दिसंबर को एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था कि ये वोटर लिस्ट है, इसके अंदर किसी को नाम जुड़वाने हैं, नाम हटवाने हैं, या अपनी एंट्रीज को संशोधित करवाना है, या एक स्थान से एक पोलिंग बूथ से दूसरे पोलिंग बूथ, सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में या दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिफ्ट करवाना है, तो इसका एक व्यापक प्रोग्राम, साथ में जो सिस्टमेटिक वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन प्रोग्राम है, स्वीप जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके तहत लोगों को जागरूक करके विशेष अभियान के दिन भी रखे गए थे, जिसके पूरे दिन सारे BLOs पूरे दिन 2 बार ग्राम सभाएं हुई और 2 बार विशेष अभियान दिन रहे, तो 4 दिन पूरे दिन भी BLO जो है अपने अपने कंसर्न बूथ पे रहे थे। मंथ ऑफ जनवरी 26 दिसंबर से शुरू हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मोटो था वो ये था कि नो वोटर शुड बी लेफ्ट आउट, कोई भी वोटर पंजीकरण होने से रह न जाए। आज फाइनल पब्लिकेशन हुआ है, जो कि डिस्ट्रिक्ट की और CEO राजस्थान की वेबसाइट दोनों के लिंक आपस में जुड़े हुए हैं और वो कोई भी व्यक्ति अपना नाम सर्च कर सकता है। ये एक सुविधा वोटर्स के लिए है। वोटर्स जुड़ जाएं, पहला काम, जुड़ने के बाद अधिकाधिक संख्या में वोट देने के लिए भी जावे, ये दूसरा एफर्ट है। स्वतंत्र निष्पक्ष मतदान के लिए वोट देने भी अधिकाधिक संख्या में जाए। जालौर शहर में रूपनगर मुख्य मार्ग पर एक महिला की चैन लूटने के मामले में SP सहित पुलिस अधिकारियों ने CCTV कैमरों से लुटेरों की जांच में जुट गए। शहर के राजेंद्र नगर निवासी 2 महिलाएं रूपनगर होते हुए रेलवे स्टेशन मार्ग पर चल रही थी कि एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक सवार होकर राह चलती महिला के गले से सोने की चैन तोड़ लेकर भाग गया।
घटना की जानकारी मिलते ही एसपी केसर सिंह, पुलिस एसआई पदमपाल सिंह, एएसआई शशिकला सहित पुलिस कोतवाली के सिपाहियों ने मौके पर पहुंचकर वहां एक घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की। एसपी ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आपराधिक गतिविधियों पर पूर्णतया विराम लगाने के लिए पुलिस को हर समय मुस्तैद रहना होगा। एक गैंग है जो सक्रिय है और आज ट्रैप भी हुआ है कैमरे में। आज अपील करेंगे आम जन से कि उनको पहचान के बताएं तो ये सारी वारदातें हुई है। पहले भी इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं। सारी वही हैं, एक कॉमन दो ही लड़के हैं। राजस्थान ग्राम पंचायत सहायक महासंघ जालौर के बैनर तले जिला कलेक्टर के बाहर धरना दिया गया। महासंघ के अध्यक्ष कुंदन सिंह बालावत ने बताया कि पंचायत सहायकों को स्थायीकरण, वेतन बढ़ाने, राजकीय कर्मचारी की तरह लाभ सहित कई मांगों को लेकर शुक्रवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है, जिसमें जिले भर से ग्राम पंचायत सहायक प्रदर्शन करेंगे। आज 22 फरवरी से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने एवं ग्राम पंचायत सहायकों को स्थिर रोजगार देने और अल्प मानदेय मात्र 6000 रुपये में काम कर रहे हैं वो बहुत ही कम है। इस कारण से आज प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत आज जालौर जिला मुख्यालय से अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की गई है, जिसमें जालौर जिले के समस्त ग्राम पंचायत सहायक 22 फरवरी से लगातार जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। 22 फरवरी को जालौर जिला मुख्यालय के सामने से मैं मीडिया के माध्यम से राजस्थान सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ, उनको अवगत करना चाहता हूँ कि राजस्थान का पंचायत सहायक संघ कई सालों से अल्प मानदेय में काम कर रहा है। राजस्थान सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में पंचायत सहायकों को नियमितकरण का वादा किया था। लगभग 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी सरकार ने हम पंचायत सहायकों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। आज 22 तारीख से हम पहले गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किशोर किशोरी स्वास्थ्य दिवस पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धवला में स्कूली छात्र छात्राओं को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रोत्साहन करने के लिए शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। धवला ANM अनीता व्यास ने बताया कि छात्रों को टिफिन बॉक्स, पेंसिल, बुक का वितरण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रभारी गणपत सिंह धवला, रेखा, माया शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। रोजगार विभाग द्वारा कौशल रोजगार एवं उद्यमिता शिविर शुक्रवार को जिला कलेक्टर महेंद्र सोनी के मुख्य आतिथ्य में ITI परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें 220 बेरोजगार आशार्थी लाभान्वित हुए। शिविर में जिला कलेक्टर महेंद्र सोनी ने बेरोजगार युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि रोजगार शिविर में एक ही स्थान पर रोजगार, स्वरोजगार व प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है, जिसका बेरोजगार आशार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ उठावें तथा अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। उन्होंने युवाओं को प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी के अर्जन की दिशा में सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित करते हुए शिविर में उपस्थित बालिकाओं से शिविर का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार ने शिविर में रोजगार, स्वरोजगार व प्रशिक्षण का लाभ उठाने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। इस दौरान जिला कलेक्टर महेंद्र सोनी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार ने शिविर में प्रत्येक स्टॉल का अवलोकन कर जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए। शिविर में 145 बेरोजगार आशार्थियों का रोजगार के लिए प्रारंभिक चयन किया गया तथा 75 युवाओं का प्रशिक्षण के लिए पंजीयन किया गया। जिला कलेक्टर महेंद्र सोनी की अध्यक्षता में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें संस्थान द्वारा आलोच्य अवधि में आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं रोजगार नियोजन के कार्यों की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर महेंद्र सोनी ने RCT की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में सरकारी योजनाओं व POP योजना में लंबित ऋण आवेदन के समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संस्थान अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्थानीय स्तर के ट्रेड के अनुरूप अधिकाधिक कार्य करें तथा संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं एवं युवतियों के स्वरोजगार नियोजन के लिए भी उनसे निरंतर संपर्क रखते हुए उन्हें ऋण प्राप्त करने तथा अन्य समस्याओं में भी यथेष्ट सहयोग करें। उन्होंने RCT के निदेशक को कहा कि 31 मार्च तक वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति शत प्रतिशत रूप से सुनिश्चित करें। राजस्थान युवा बोर्ड व राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय जालौर के तत्वावधान में जालौर ब्लॉक स्तरीय युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर जालौर में किया गया।
प्रतियोगिता के दौरान आशु भाषण में प्रवीण कुमार ने नाटक में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रताप चौक जालोर, बांसुरी वादन में गौतम कुमार, एकल गायन में पूजा चौहान, सामूहिक लोक गायन में सरिता एंड पार्टी, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर जालोर, चित्रकला में खुशबू, सामूहिक नृत्य में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रताप चौक जालोर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में गोपाल खत्री, मानाराम, सलीम खां, दौलत कंवर, सुनीता शर्मा, निशा एम, रेखा ओम व बिंदु रानी के निर्णायक की भूमिका निभाई। प्रतियोगिता का संचालन दौलत कंवर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रताप चौक जालोर ने किया। ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले संभागी जिला स्तर पर 25 फरवरी को प्रातः 10 बजे का बहुउद्देश्य हॉल स्टेडियम जालोर में भाग लेंगे। इस अवसर पर रोवर दिनेश सोलंकी, कमलेश देवासी, जेम्स रेबारी ने अपनी सेवाएं दी। जालोर पुलिस अधीक्षक केसर सिंह को लूट की घटना का पर्दाफाश करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। शहरवासी एडवोकेट जोराराम चौधरी ने एसपी जालोर को सौंपे ज्ञापन में लिखा है कि राजेंद्र नगर मुख्य मार्ग पर उसकी पत्नी खरीदारी के लिए गई थी। दो मोटरसाइकिल सवार ने गले से मंगलसूत्र व सोने के आभूषण लूट ले गया, जिसकी जाँच में अभी तक लुटेरों का कोई पता नहीं चला है।